ये देखो आप, हमारी दाबेली कितनी सुंदर बनी है और बिल्कुल क्रंची भी, तो चलो इसे बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर और स्वागत है आपका द मयूर्स किचन में। आज हम बनाएंगे इंडिया का स्ट्रीट फूड जो कि है दाबेली। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है सिंगदाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगदाना लेकर उसे मसालेदार बना लूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप भुने हुए सिंगदाने लिए। तो मसालेदार बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा नमक। स्वाद अनुसार मैं थोड़ा सा नमक डालूँगा इसमें। तो थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल देता हूँ, ज़्यादा मत डालिए। नमक के बाद मैं इसमें डालूँगा आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर। तो आधा चम्मच इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल लेता हूँ। तो इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। इस मसाले को चिपकाने के लिए आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगा। तो आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लेमन जूस लिया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा। आप इसमें दाबेली मसाला भी डाल सकते हैं। तो हमारे मसाला पीनट्स एकदम रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो मैं अब बना लूँगा हमारी दाबेली की फिलिंग। तो अंदर का जो फिलिंग होती है आलू की, वो बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई का गैस बिल्कुल लो है। तो इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा 2 टेबलस्पून तेल। तेल को एकदम हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डालूँगा 2 टेबलस्पून दाबेली मसाला। तो 2 बड़े चम्मच में इसमें दाबेली मसाला भी डाल लेता हूँ। मैंने कहा था आपको तेल बिल्कुल हल्का गर्म है, तो इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। तेल में भुनने से मसाला और फ्लेवरफुल हो जाता है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 3 टेबलस्पून इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो मैं 3 टेबलस्पून इसमें डालूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। तो इसमें मैंने डाल दिया, तो इसको मैं चला लूँगा। तो इसको हल्का सा तेल में मैं भून लूँगा, एकदम बारीक गैस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा आधा चम्मच जीरा पाउडर। तो आधा चम्मच ये भुना हुआ जीरा पाउडर मैं इसमें डालूँगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 2 बड़े उबले हुए आलू। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए, ये बड़े साइज़ के आलू है। तो इसको मैं ऐसे हाथ से ही क्रश करके डालूँगा। तो मैं आपको, आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको कर रहा हूँ दोनों हाथ से। तो दूसरा भी मैं डाल लूँगा। तो इसको मैंने डाल दिया, आप इसको मैश भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा स्वादानुसार नमक। तो आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, गैस एकदम मीडियम है। तो अब मैं इसमें डालूँगा 3 छोटे चम्मच जितना पानी डालूँगा मैं इसमें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। आपको इसको कंटिन्यूसली मैश करते रहना है। तो अब मैं इसमें डालूंगा आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर में इसमें डाल लेता हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो इसको मैं 5 मिनट ढक के ऐसे ही रख दूँगा। तो ढक्कन में इसमें लगा रहता हूँ, एकदम लो गैस कर लेंगे और इसको 5 मिनट ऐसे ही रख देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो फिलिंग है वो भी अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं साइड में रख दूंगा और हमारी जो अंदर की जो तीखी चटनी है वो उसे मैं बना लूंगा। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 मिक्सी का बर्तन, 3 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे कौन सा भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, तो 3 ही चम्मच यूज़ करिएगा। तो ये मैं इसमें डाल लेता हूँ। इसके बाद इसमें डालूंगा जो एक पूरा लहसुन होता है उसको मैंने छील दिया है। तो इसको मैं इसमें मैं डालूंगा ये लहसुन। और इसके बाद
मैं इसमें डालूंगा ये अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैं इसमें डाल लूँगा। इसके बाद इसमें डालना है हमें 2 चम्मच हमारी जो मूंगफली थी मसालेदार, वो मैं इसमें डालूँगा, 2 चम्मच डालना है। तो मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद 2 चम्मच हमें इमली की जो चटनी आती है उसको भी डालना है, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगा। इसको मैं बारीक एकदम फाइन पीस लूँगा और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको पीस लिया है और इसको पीसने में मुझे 3/4 कप जितना पानी लगा है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो तीखी चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं एक बाउल में निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो चलो हम इसकी अब जो चटनी है उसकी तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी चटनी है और ये ट्रे, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको मैं इस ट्रे में निकाल लूँगा। आप इस चटनी का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से बन भी चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस चटनी को इस ट्रे में निकाल लिया है। तो इसको मैं एकदम फ्लैट कर लूँगा इस ट्रे में। तो इसको मैंने एकदम फ्लैट कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कटा हुआ बारीक प्याज डालूँगा। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही बस हो गया। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगा थोड़े से अनार के दाने, ये आप स्किप मत करिएगा। तो ये अनार के दाने भी मैं इसके ऊपर डालूँगा। तो इसके ऊपर आप बॉइल मटर भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वो नहीं डाल रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर अनार भी लगा दिए। तो इसके ऊपर मैं डालूँगा बारीक कटी हुई धनिया, तो ये धनिया भी इसके ऊपर मैं डालूँगा। तो इसको क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करेंगे थोड़ा करेंगे, ताकि जो अनार प्याज वगैरह वो ये थोड़े से इसके अंदर चले जाए। तो मैंने इसको कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं बाजू में रख दूंगा। तो चलो हमारे जो दाबेली बनाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं ये मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है और ये प्याज भी, ये सेव भी मैंने यहाँ पे लिए, तो एकदम 0 नंबर की है सेव है। और ये अनारदाना है, इमली की चटनी है, हमने जो अभी अभी जो तीखी चटनी बनाई है वो ये है, और ये मसाला मूंगफली है, आपने तो देखा ही है। तो कितनी आसान तरीके से मैंने यहाँ पे सब चीज़ें रेडी कर ली, आप तो देख ही रहे थे। तो चलो दाबेली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दाबेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पाव लिए। तो पाव कैसे काटते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पाव उठाना है, इस कोने में इसको डालना है और इसको ऐसे काटते जाना है। तो मैंने यहाँ पे इस पाव को काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही आपको काटना है, पूरा ऐसा चौकोर नहीं काटना है, ऐसा ही काटना है। तो मैंने इसे काट लिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें जो हमारी जो तीखी चटनी थी वो मैं इसमें डालूँगा। तो मैंने इसमें डाल दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेंगे और इसके दूसरे साइड में थोड़ी सी इमली की चटनी भी डाल लेंगे, एक चम्मच जितने में डाल लेता हूँ। तो मैंने इसमें दोनों टाइप की चटनी मैंने इसमें डाल दी है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा हमारी जो आलू की फिलिंग थी वो मैं इसमें डालूँगा। और इसको ऐसे फैला लूँगा। तो इसके बाद इसमें थोड़ी सी मसाला मूंगफली
और इसके बाद प्याज और थोड़ा सा अनारदाना, और इसको ऐसे बंद कर लेंगे और थोड़ी सी इसमें बारीक सेव भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से बंद कर लिया है। तो साइड में थोड़ा सा हम दबा लेंगे इसको, तो थोड़ी सी सेव में इसको मैं डुबो लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। थोड़ी सी सेव मैंने आजू बाजू में मैं लगा दिए, तो बन गई हमारी परफेक्ट दाबेली। पर इसको थोड़ा सा सेकना बाकी है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ की दाबेली भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें पाव लेना है, इसको वी शेप में काटना है। तो इसको मैंने काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा मोजरेला चीज़ डालेंगे। मोजरेला चीज़ इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने डाल दिया है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तीखी चटनी, इसके बाद इमली की चटनी, इसके बाद आलू का स्टफिंग, तो स्टफिंग मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मसाला पीनट्स, इसके बाद थोड़ा सा प्याज, और इसके बाद अनार दाना, और इसके बाद थोड़ी सी सेव, और इसके बाद थोड़ा सा और मोजरेला चीज इसमें डाल देते हैं। तो चीज़ की दाबेली बना रहे हैं, तो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेगा। तो इसमें मैंने और चीज़ इसमें डाल दिया है, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा आलू का मसाला मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगा बाजू में। तो इसको थोड़ा सा हम दबा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ दाबेली भी अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो चलो इसको फ्राई कर लेते हैं। दाबेली को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, और पैन हमारा गर्म भी हो चुका है। तो इसमें मैं डालूँगा बटर। तो बटर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, और इसमें हम हमारे दाबेली को रख देंगे। तो सबसे पहले तो उल्टी और दूसरी भी हम डाल लेते हैं। इसके बाद मैं चीज़ वाली डालूँगा। तो थोड़ा सा बटर में ऑयल डाल देता हूँ, और गैस एकदम हाई रखेंगे और इसको हम ऐसे घुमाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा सा प्रेस भी करते रहेंगे। और इसको मैं पलट दूंगा, तो पलट सावधानी से करें। तो इसको मैं पलट दूंगा, तो इसको भी मैंने पलट दिया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते रहेंगे। तो ये हमारी चीज़ दाबेली, इसको मैं ऐसे प्रेस कर दूंगा ताकि हमारा जो अंदर का जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो इसके बाद मैं गैस एकदम लो कर दूंगा। मैं देख लेता हूँ। तो हम दोस्तों हमारी दाबेली बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं निकाल लूँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दाबेली बिल्कुल अच्छी तरीके से बना ली है, और कितने सुंदर लग रही है हमारी दाबेली। तो ऐसी दाबेली आप घर पर ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स कैसे लगी मेरी दाबेली की रेसिपी, थी ना एकदम आसान? तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
थैंक यू।